गुजरात में बिपरजॉय छोड़ गया तबाही का मंजर। हालात सुधारने में जुटा पूरा प्रशासन। गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हवाई जायजा। क्या होने वाला है राहत पैकेज का ऐलान। बिपरजॉय चक्रवात अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के कई हिस्सों से टकराया। इसका भीषण लैंडफॉल ऐसा था जो अपने पीछे तबाही जैसा मंजर छोड़ गया है। इस चक्रवात ने गुजरात के कई जिलों में काफी कुछ तहस नहस कर दिया। कई जगहों पर मोटे मोटे पेड़ उखड़ गए, कई जगहों पर घरों की छतें उड़ गई, बिजली के खंभे तो कई जगहों पर टूटे हुए या झुके हुए दिखाई दिए, जबकि मूसलाधार बरसात की वजह से कई इलाकों में लोगों को भारी जलजमाव का सामना करना पड़ रहा है। इस तेज चक्रवात की चपेट में आए कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इन हालात के बीच और बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ कई प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मांडवी के काठड़ा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उनसे मिलने के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांडवी सिविल अस्पताल का भी दौरा कर वहां पर भर्ती मरीजों का भी कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने कच्छ जिले में इस चक्रवात के दौरान मोर्चा संभालने वाले बहादुर एनडीआरएफ के जवानों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें शाबाशी दी। आपको बता दें कि बिपरजॉय चक्रवात का जिन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनमें से कच्छ भी एक था। आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के तटीय इलाकों में तांडव मचाना शुरू किया था। इससे पश्चिमी तटों पर डरावना मंजर दिखा था। समुद्र की लहरें तूफानी अंदाज में उठती दिखी, तो वहीं कच्छ मांडवी भुज समेत कई क्षेत्रों में 125 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली तूफानी हवाओं और मूसलाधार बरसात ने कई जगहों पर पेड़ों को उखाड़ दिया। जिस दौरान ये चक्रवात अपने वेग में था, लोग अपने घरों में दुबके हुए नजर आए, जबकि प्रशासन पूरी तरह से चौकस और चौकन्ना बना रहा। संभावना जताई गई थी कि इस चक्रवात का वेग 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस गति तक ये चक्रवात नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इसका असर खतरनाक दिखाई दिया। हालांकि प्रशासन की तैयारियों और जनता की चौकसी के चलते संभावनाओं के जितना नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने किसी संभावित खतरे को भांपते हुए पहले ही द्वारका और भुज में बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। बिपरजॉय चक्रवात का लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहा। कच्छ और सौराष्ट्र के लिए पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। यहाँ पर जैसा कि पहले ही तेज मूसलाधार बरसात की संभावना जताई गई थी, लिहाजा हालात वैसे दिखे भी। भुज में तो आधी रात तक 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई थी। इस चक्रवात के शांत होने के बाद हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। इससे कुछ जगहों पर निजी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, जबकि कुछ जगहों पर मवेशियों के भी जख्मी होने की खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।